मदनपुरा गांव के मेरे सभी सम्मानित दादे चाचे ताऊ भाई भतीजे, इधर मातर शक्ति बैठी है, दादी चाची ताई बाबी और भाई भतीजे भतीजी, पूरा परिवार गांव का यहाँ बैठा है। मैं पूरे गांव का इतना भव्य स्वागत करने पर हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। गांव के सरपंच भाई कुलदीप जी ने पूरे हलके का मान सम्मान करते हुए यहाँ पर पूरे हलके का स्वागत किया, उसके लिए कुलदीप सरपंच का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, पूरे हलके से आए हुए हमारे सरपंच, मौजूदा सरपंच, एक्स सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति के मेंबर, पूरा हलका के भाई 57 पंचायतें है अपनी, दो डानिया है, मोहल्ले पंचायत नहीं है उनमें, शंकरपुरा और चैल डानी की, 57 के 57 सरपंचों ने मेरा समर्थन करा है, मौका के 57 सरपंचों ने, उसके लिए मैं पूरी सरपंच एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं। और इनके साथ भाई आसपास के हलके की, बल्कि आदमपुर हलके की 9 पंचायत अग्रवा ब्लॉक में लगती है, उन्होंने भी अग्रवा ब्लॉक के साथ आदमपुर हलका वाले 9 सरपंचों ने भी मेरा समर्थन करा, उनका भी धन्यवाद है। नगर पालिका उपलाना के चेयरमैन सुशील जी सिंगला, उन्होंने भी, और लगभग पूरी मंडी के एमसी सब ने मेरा समर्थन किया, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। भाषण तो भाई मैं रोज दे हूं आपके बीच में, भाषण आपने भी खूब सुन रखे, हर नेता का भाषण सुनते हो, मोबाइल पर भी सुन लो, टेलीविजन में भी देखो। आज मैं मेरे गांव के आगे भाषण नहीं देता, मैं सिर्फ ये कहता हूं पूरे गांव गांव के सहयोग से मुझे जो मान सम्मान मिला है, गांव राम ने मुझे कई बार मान सम्मान दिया, जिला परिषद से लेकर विधायक बनाने तक आपने ये जोड़ी कभी खाली नहीं रहने दी, आपने ये जोड़ी हमेशा भरी। आज भी मैं ये जोड़ी पूरे गांव राम के आगे करता हूं, ये जोड़ी आपकी है, इस जोड़ी को भरने के लिए आप सब पूरे हलके में जाके एक एक गांव में एक एक वोटर के पास आपके बेटे के लिए वोट मांगोगे। ये टिकट मोलन राम प्रधान जी ने कहा, सारी राजनीतिक ताकत फैल हो गई थी इस टिकट के आगे, ये टिकट साधु संतों के आशीर्वाद से और ऊपर बैठा भगवान के आशीर्वाद से मिली है, क्योंकि ये टिकट जितनी कमेटियां बनी थी टिकट वितरण कमेटी की, 4-5 कमेटियां बनी थी, सबके अंदर फैल हो गई थी, आखिरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की कलम तक चली गई थी, और वहां से खड़गे साहब के अंदर परमात्मा ने उनको दर्शन दिए और वहां से आपकी ये टिकट होके आई है। उसके लिए आपको पूरे गांव को मैं इसकी टिकट की बधाई देता हूं, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं पूरे गांव से, ये टिकट आपकी टिकट है। मोलन राम प्रधान जी ने और सभी वक्ताओं ने, मेरे सरपंचों ने, सभी ने बात कही है, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है, ये टिकट केवल उकलाना तक सीमित नहीं है, इस टिकट से आपके मदनपुरा गांव का नाम हरियाणा की विधानसभा के अंदर लिखा जा चुका है और भी आगे बढ़ा लिखा जाएगा।
मदनपुरा का मान सम्मान मैं कभी कम नहीं होने दूंगा। जिस प्रकार से आपने आशीर्वाद किया है, आज तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे उपचुनाव हुए, चाहे मौका के हुए, चाहे निर्दलीय चुनाव हुए, चाहे चौधरी जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा, चाहे चौधरी संपत सिंह जी ने चुनाव लड़ा, चाहे भव्य बिश्नोई जी ने चुनाव लड़ा, मदनपुरा गांव ने पूरे हिसार जिला में जीत दर्ज करके भेजा। गांव से कभी हार के नहीं जाने दिया। मैं इसके लिए मेरे गांव का, मेरे परिवार का, दादे चाचे ताऊ माताएं बहनें सब बैठी है सबका धन्यवादी हूँ। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, बस सिर्फ इतना ही कहूंगा, इस जीत को सुनिश्चित कराने के लिए आप सब ये चुनाव लड़ोगे। आप घर घर तक जाओगे और ऊपर हाई कमान से जिस तरह से टिकट आई है, हाई कमान को ये बता दोगे कि वे पूरा मदनपुरा गांव के साथ साथ पूरा हलका, वे सभी सरपंचों ने बताया, पूरे हलके के अंदर ये होड़ लग चुकी है कि कौन सा गांव सबसे ज्यादा वोटों से जिताएगा। एक तरफा चुनाव लगभग 80-90 प्रतिशत तक गांव का चुनाव। कई गांव तो ये कहते हैं कि हमारे गांव में तो 100% 100% चुनाव कांग्रेस पार्टी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुशल नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी हमारे दलित समाज से है, जो अंबेडकरवादी नेता है, हमेशा दलित की गरीब की आवाज उठाते हैं, उनके नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी की सीट जिता के आप जो है हाई कमान की झोली में डालने का काम करोगे। और मैं भाषण तो नहीं दूंगा, आप दो चार बात और बताऊंगा बस। कांग्रेस पार्टी ने आज मैनिफेस्टो अपना जारी कर दिया है, घोषणा पत्र कल किया है, उसके अंदर जो घोषणा करी है वो तो बता दूं ताकि आपको पता लगे भाई कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद क्या करने जा रही है। नंबर एक, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, एमएसपी के ऊपर किसानों की फसल बिकेगी, एमएसपी के ऊपर एमएसपी की गारंटी देंगे। नंबर दो, हमारे बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी पहले महीने से 6,000 रुपए मिलेगी सरकार बनते ही। ये समझ लो अगला महीना तो आपकी 6,000 रुपया लग जाएगी। और जो है 300 यूनिट बिजली की फ्री मिलेगी, गैस का सिलेंडर 500 रुपया में मिलेगा, और जो 2 लाख नौकरी खाली पड़ी है युवाओं की उनको रोजगार मिलेगा। खेल नीति फिर से लागू होगी, गरीब आदमियों को 100 वर्ग गज के प्लाट और उसके ऊपर 3.5 लाख रुपए मकान बनाने का अनुदान मिलेगा। ये हमारी जो है घोषणा है। और एक घोषणा और नई जोड़ी है कांग्रेस पार्टी ने, वो जोड़ी है हमारी माताएं बहनें या बेटी या महिला, घर की एक मुखिया महिला को हर महीने महिला सम्मान भत्ता 2,000 रुपए हर महीने मिलेगा। पहला ही महीना था लागू हो जाएगा, अभी सरकार बनते ही 2,000 रुपये महीना घर की एक महिला को, ये हमारा है। और किसानों के लिए भी एक घोषणा करी है खड़गे साहब ने कि जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे दिल्ली में, उनके नाम से किसान शहीद स्मारक बनेगा और किसानों को जो शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा मिलेगा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे ख्याल में 1 बज गया होगा। पूरा हलका के आखिरी कोने से
पनियारी से लेके लांदड़ी अग्रवा तक के आदमी जो है, कुलेरी सापरवास तक के आदमी यहाँ मौजूद है। आप सब भी, सब कार्यकर्ताओं ने जो ये लगभग 6 दिन से हमारा दौरा चल रहा है, नॉमिनेशन भरा उस दिन से लेके आज तक, पूरा हल्का 22 सड़कों पे आ गया वोट मांगने के लिए। जो है मीडिया वाले और जो लोग दूर दराज से लोगों की आवाज आती है, वो देख के दंग रह गए कि पूरा का पूरा उपलाना हल्का कैसे सड़कों पे आ, कई दिनों से आप 5-6 दिन से सोए भी नहीं हो। मैं आप सबका इस मान सम्मान के लिए, पूरे हल्के के कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मीडिया के साथी भी हमारे उस दिन से हमारे साथ चल रहे हैं, मीडिया के साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक सूचना और आपको बताता हूं, 28 सितंबर को सुबह 12 बजे उकलाना की अनाज मंडी में आपके लिए वोट मांगने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे और आपसे वोटों की अपील करेंगे। 28 तारीख 12 बजे अनाज मंडी के अंदर सबसे अपील है, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर मोटरसाइकिल पैदल जो भी जिस तरह से आज का सारे हुड्डा साहब को ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये सीट तो हुड्डा साहब 28 तारीख को ही हमने जिता के कांग्रेस हाई कमान की जोड़ी में डाल दी। साथियों ये विश्वास आपने दिलाना है। और अब मैं मेरे पूरे गांव से बड़ा भव्य स्वागत आपने मेरा किया और सभी सरपंच का, एसोसिएशन का, सबका मान सम्मान किया, उसके लिए पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सभी से प्रार्थना है, जिसकी भी रिश्तेदारी, भाईचारा, यार प्यारे मित्र जहां भी हो, सब उनके पास जाके आपके भाई आपके बेटे के लिए वोट मांगो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बाबा जोगीनाथ।